वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको आटे के हेल्दी गोंद के लड्डू बनाना बताऊंगी। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और आसानी से हम इन्हें घर पर बना सकते हैं। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरा वीडियो पूरा देखें। ये लड्डू 2 महीने तक खराब नहीं होते हैं। आप सफर में इन्हें ले जा सकते हैं और घर पर भी बनाकर आप इन्हें रख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और गैस पे पैन रखा है। इसमें अब हमें घी ऐड करना है। 3 से 4 टेबल स्पून हमें इसमें घी ऐड करना है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है। तो चलिए अब हम गोंद को फ्राई करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें गोंद भी चाहिए होता है, तो इस तरह का मैंने यहाँ पर बारीक गोंद लिया है। इसकी जो कटिंग है मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जब घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें गोंद ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है और घी अच्छा गर्म होने पर ही हमें इसमें गोंद डालना है। गोंद को फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें एक साथ गोंद ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें डालना है। जैसे ही हम इसमें गोंद ऐड करेंगे फूलने लग जाएगा। घी गर्म हो गया है, चलिए अब हम गोंद डालेंगे। गोंद डालने का तरीका यह है, इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद ऐड करना और फैलाना है हमें। आप देख सकते हैं गोंद जो है ऊपर तक आने लग गया, फूलने लग गया है। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे। अब इसको हम एक बार हिला लेते हैं और कम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह नेक्स्ट राउंड करेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखते हुए इसमें हम गोंद डालेंगे। जब गोंद चटकने लग जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और कम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है। गोंद फ्राई करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 मिनट में ही हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर से हम इसको हिला लेंगे। अब हम निकाल लेंगे इसको। बचा हुआ गोंद भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गोंद आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे गोंद ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं लड्डू में ज्यादा ऐड करती हूँ गोंद को। मैंने यहाँ पर 1 कप गोंद लिया था, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी घी में हम आटा ऐड करेंगे, आटा जो कि हमें सेकना है लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसी में आटा ऐड करूंगी और इसको अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आटा लिया है और 1 कप मैंने गोंद लिया था। इसको हमें कम फ्लेम पे सेकना है। सेकते समय हमें खास ध्यान रखना है कि आटा जो है तल्ले पर लगे नहीं। घी थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें ऐड करना है, एक साथ घी हमें नहीं डालना है। सबसे मेन काम होता है आटा सेकने का, आप खास ध्यान रखें। आटा सेकते समय इसको कम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आटे को हमें सेकना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको सेकना है। आटा सेकते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें नॉन स्टिक पैन ही लेना है। यदि आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप मोटे पेंदे की जो कढ़ाई आती है उसी में ही आटा सेकें। आटा सेक कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं पूरा हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकना था। ये आटा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो चलिए गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। आटे को एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जो हमने गेहूं का आटा सेका था वो मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। बादाम को मैंने अधकचरा कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर बादाम लिए, आप कम ज्यादा आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया काली मिर्च पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया सौंठ पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे खाने में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर ये शक्कर का बूरा लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो ये हमें इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम शक्कर लिया है। सभी को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे।
थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें घी ऐड करना है। घी को हमें पहले मेल्ट कर लेना है, फिर हमें इसमें ऐड करना है। आवश्यकता अनुसार हम इसमें घी ऐड करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा घी हम और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम घी लिया है। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक इसमें गोंद को ऐड क्यों नहीं किया। पहले हम घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सबसे लास्ट में हम गोंद को ऐड करेंगे। पहले से यदि हम कर देंगे तो इस तरह जो है गोंद जो है पूरा दब जाएगा, फूला फूला नहीं रहेगा, इसलिए हमें सबसे लास्ट में गोंद को ऐड करना है। हम इसमें गोंद को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि जब हम लड्डू खाएं तो गोंद जो हमारे मुंह में आए, उससे बहुत ही अच्छा लगते हैं लड्डू खाने में। चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा सा आटा हमें हाथों में लेकर दोनों हाथ से इस तरह हमें दबाते हुए गोल गोल लड्डू बनाने हैं। इस तरह देखिए लड्डू बन गया है। इस तरह हमें सारे लड्डू बनाने हैं। लड्डू का जो साइज है आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन लड्डू हमें दबा दबा के बनाने, इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो लड्डू बिखर जाएंगे। गोंद के लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। गोंद के लड्डू बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि हम जिस भी बर्तन में इसको सेकेंगे वो उसका जो तल्ला है वो मोटे पेंदे का होना चाहिए ताकि आटा नीचे से लगे नहीं। और गोंद को फ्राई करते समय इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। और जब हम आटा सेकेंगे तो इसको भी हमें कम फ्लेम पे ही सेकना है ताकि आटा जो है अच्छी तरह से सिक जाए, अंदर तक सिक जाए। यदि हम फुल फ्लेम पे सेकेंगे तो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इस बात का आप खास ध्यान रखें। इस तरीके से यदि आप लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।